हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा मैसूर में योगाभ्यास के साथ साथ 75 केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में देश भर में 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने तमिलनाडु के लोगों के साथ विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी से योगाभ्यास करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। नाव से विवेकानंद रॉक पर पहुंचकर श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित की और विवेकानंद रॉक पर योगाभ्यास किया। इसके बाद श्रीमती लेखी ने कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में लगभग 1 घंटे तक विभिन्न योगासन किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि योग से मन, शरीर और आत्मा एक हो जाते हैं। नियमित रूप से योग करने से तन और मन को बहुत ताकत मिलती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कल्याण के लिए अथक प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि देश की संस्कृति और आध्यात्मिकता में विश्वास रखने वाले स्वामी विवेकानंद ने देश की संस्कृति के लिए काम करना जारी रखा। संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती संयुक्ता मुद्गल, नागरकोइल के विधायक श्री एम आर गांधी, कन्याकुमारी के जिला कलेक्टर श्री एम अरविंद, कन्याकुमारी के पुलिस अधीक्षक श्री डी एन हरिकिरण प्रसाद एएसआई, के स्मारक निदेशक श्री नवरत्न के आर पाठक एएसआई, निदेशक डॉक्टर अरुण राज, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पोन राधाकृष्णन भी कार्यक्रम में शामिल हुए।